तो दोस्तों आप लोगों के काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि भाई आपने एक्वेरियम कितने का लिया और कहाँ से लिया और आप कहाँ पर रहते हो। तो ये वाला फिश टैंक मैंने इंदौर से लिया था, ठीक है, और ये मुझे कितना का पड़ा था, मैं लेने कुछ और गया था लेकिन मैंने ये लिया, उसके पास ये था नहीं तो मैंने ये ऑर्डर करवाया था उससे। उसने स्टार्टिंग में एडवांस लिया, फिर बाकी मैंने रिटर्न उसको जब दे दिया था जब मैं एक्वेरियम लेने गया था उसके पास, यानी उसने बोला था देख लो एक बार आके, उसके पास यही कलर था वाइट, मुझे चाहिए था ब्राउन, लेकिन वो बोला भैया आपको पहले ऑर्डर करने के पहले बोलना था ये वाला कलर चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ये वाला टैंक था नहीं। मैंने उसको कुछ पिक दिखाई थी, मैंने बोला ऐसा टैंक चाहिए मुझे बड़ा, तो उसने मुझे ये दिया। उसके पास इससे भी बड़ा टैंक था, यानी यहाँ से लेकर वो यहाँ तक का टैंक था। फिर मैंने सोचा कहीं नहीं यहाँ, चलो अब जो हो गया ये वाला टैंक ले लेता हूँ, ब्राउन नहीं मिला तो क्या हुआ, वाइट ही चलेगा, तो मैंने पूरा वाइट ले लिया है। पर ये अच्छा नहीं दिखता वाइट, गंदा बहुत जल्दी होता वाइट कलर, इसलिए चलो अभी तो इस पर काम चलाता हूँ। बाकी नीचे मैंने यहाँ कुछ अटाला रखा है, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे तो मैंने यही वाला टैंक लिया जो मुझे पड़ा था 19-20 हज़ार का पड़ा था मुझे, उसने मुझे 21 बोला था क्योंकि इसके अंदर उसने कुछ पत्ते डाल रखे थे और प्लांट लगे थे, तो मैंने उसको बोला मुझे प्लांट नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए। तो ये वाला टैंक मुझे 19,500 का पड़ा था, ठीक है, और इसमें कोई मछली नहीं आई थी, सिर्फ खाली टैंक था ऊपर से लेकर नीचे तक, और ये ड्रॉज भी इसके साथ ही थे, सब लगा हुआ था, और इसमें टॉप फिल्टर था और कुछ नहीं था, बाकी सब मछली मेरी थी पुरानी जो अब काफ़ी बड़ी हो गई है, और मैं दो लेकर आया था और ये वाइट वाली नहीं लेकर आया था, बाकी सब मेरी पुरानी वाली मछलियाँ हैं। तो अगर आपको भी टैंक मंगाना है तो आप अपने किसी पेट शॉप में जाके ऑर्डर दे सकते हो, उनको बोल सकते हो कि ऐसा टैंक चाहिए हमको, तो दे देंगे। और यहाँ पर इसमें कई सारे ऑप्शन भी है, जैसे लाइट का ऑप्शन है, टेम्परेचर है, और टाइम भी दिखाता है, और टाइम आप सेट कर सकते हो, बट मैंने नहीं किया, और मैं आपको लाइट भी चेंज करके दिखाता हूँ, 1-2 इसमें 3 टाइप की लाइट है। तो आप लोग मुझे एक बात और बताना, इसका पानी बहुत गंदा होता है, तो मुझे क्या करना चाहिए इसके पानी के लिए, क्योंकि मैं बार बार चेंज करता रहता हूँ, फिर पानी की प्रॉब्लम भी होती है, मैं घर का पानी ले लेता हूँ क्योंकि मेरे यहाँ टैप वाटर आता है तो मैं वो पानी यूज़ करता हूँ, तो बहुत दिक्कत होती है। तो आप मुझे बताना मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि इसका पानी बार बार गंदा होता रहता है, अभी भी आपको गंदा दिख रहा होगा, ठीक है, 2 मिनट रुको यहाँ से दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कितना गंदा हो रहा है पानी, तो आप लोग मुझे बताना मुझे क्या करना चाहिए, मैंने 2-2 फिल्टर लगाए, तो आप लोग मुझे बताना मुझे क्या करना चाहिए ताकि हमारा एक्वेरियम अच्छा हो जाए। पहले मैंने यहाँ पर रेत ब्लैक सैंड भी डाली थी बट पानी बहुत गंदा होता था, तो इसलिए मैंने वो हटा दी। तो आप मुझे बताना क्या करना चाहिए, फिर मैं उसमें वो चेंजेस करूँगा। और हाँ, मैं एक और टैंक बनवाने वाला हूँ जो छत पर होगा, मैं एक और टैंक बनवाने वाला हूँ जो मोली फिश के लिए होगा, जो यहाँ पर रखा रहेगा, ये टेबल हट जाएगी यहाँ से और वो एक टैंक आ जाएगा, एक्वेरियम आ जाएगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे क्या करना चाहिए इसका, या फिर मैं इसको बेच दूँ, या फिर मछलियाँ बेच दूँ। मैं मछली बेचना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं मछली को किसी टब में रख दूँगा, अच्छा नहीं दिखता, कोई आता है बोलता है लाइट ऑन करो, लेकिन पानी इतना गंदा है उनको दिखाना भी अच्छा नहीं लगता है। तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताना मुझे क्या करना चाहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ठीक है, और आपको जो भी पता करना आप मुझे कमेंट कर सकते हो तो मैं आपको बता दूंगा।